अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ, चटपटी चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है बॉयल चने एक कटोरी, बॉयल आलू एक कटोरी, साथ में होगी एक कटोरी दही पकौड़ियाँ जो उनसी होती हैं, इनको मैंने पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसका पानी निचोड़ के तो ये रख ली है। साथ हमें ज़रूरत होगा एक कटोरी इमली का पानी, क्योंकि ये चटपटी है तो खट्टा मीठा इमली का पानी है। इमली में जो है मैंने चीनी और थोड़ा सा नमक और एक चुटकी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। एक कटोरी दही है, उसके साथ हमारे पास तीन किस्म के नीमको है और दो किस्म के लेज हैं, प्याज है, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा हम लेमन जूस भी यूज़ करेंगे और साथ चाट मसाला। चलें अब रेसिपी को शुरू करते हैं जी। ये देखें, एक कटोरी सबसे पहले हमने डालनी है चने, अब हम डालेंगे एक कटोरी आलू, जी अब हम डालेंगे इसमें एक कटोरी पकौड़ियाँ, अब इसमें डालेंगे हम इमली का पानी जो कि एक कटोरी है। ये पानी, ये याद रखिएगा कि पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए जी। अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे एक कटोरी दही की जी। ये अब दही डालने लगे हम, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हमने काटी हुई हैं, ये देखें अब हम ये डालेंगे। ये एक छोटा सा प्याज डाला है क्योंकि बाज़ लोग प्याज नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने छोटा सा एक प्याज डाला है। आप अगर चाहें तो इसमें से कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं और कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टमाटर है जो मैंने बारीक काट लिया है, और ये दो ग्रीन चिली है बारीक काटी हुई हैं। याद रखें जब बच्चों को आप ये चाट दें तो उन प्लीज़ ग्रीन चिली मत डालिएगा क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेगी। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस जो कि है एक लेमन का जूस, अब हम इसमें डालेंगे लेस, नीमको जो है तीन किस्म की नीमको है, ठीक है। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे बारी बारी करके जी। ये देखें, ये एक नीमको ये डालेंगे, अब हम ये दूसरी बारीक नीमको डालेंगे। यकीन जानिए ये चाट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। इस चाट ने आप सब के मेहमानों का दिल जीत लेना, जो भी मेहमान आएंगे और ये चाट इन्जॉय करेंगे वो हमेशा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। ये मैंने अब लेस भी डाल दी है इसमें, अब हम इसमें डालेंगे मेन चीज़ जो कि है चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो उनसे सॉरी टीस्पून जो हैं वो डालूँगी। ये देखें, ये एक डाल रही हूँ, अब एक और डालेंगे, अब हम इसे करते हैं मिक्स। ये देखें, अब इसको आराम से इसको मिक्स करेंगे हम, और फिर इसको हम ट्राई भी करके दिखाएंगे आपको कि ये कैसी बनी है।